दोस्तों आज नाग पंचमी है और आपको मैं ले जा रहा हूं मणिनाग गुंफा दिखाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरा YouTube चैनल पेपर मैन इंडिया पे स्वागत है। आज आप अभी मणिनाग गुंफा व जलोका हिल पे है। जलोका हिल और मणिनाग गुंफा दोनों एक ही प्लेस है। ये कटक जिले की टांगी चौद्वार ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा गांव है जहां पर ये पहाड़ दिखने को मिलता है। जलोका आनंद धाम इसको बोलते हैं। जलोका आनंद धाम में ये मणिनाग गुंफा है और मणिनाग गुंफा में भगवान नाग देवता को पूजा किया जाता है। मणिनाग गुंफा के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े नाग देवता रहते हैं और ये नाग देवता को स्थानीय जनसाधारण पूजा करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल मनाया जाता है और लोगों ने भगवान मणिनाग को यहाँ पूजते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो छोटे बड़े दूसरे मंदिर है ये भी पूजा होता है। आप अभी देख रहे हैं मणिनाग गुंफा के अंदर कितने सारे नाग देवता रहे हैं और ये नाग देवता को यहाँ पर पूजा किया जाता है। आज के दिन जैसे कि आज नाग पंचमी है तो यहाँ बड़ा पूजा लगता है। बहुत सारे दूर दूरांत से लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। छत्तिया जाजपुर जिले के छत्तिया से नेशनल हाईवे से ये सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पर है। ये जो मणिनाग गुंफा या केव आप देख रहे हैं जड़ोका पहाड़ के ऊपर, इसको बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी आविष्कार किए थे। पहले से ये मणिनाग के देवता यहाँ पर पूजा पाते थे लेकिन बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी ने इसको सही मायने में दूसरे लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को आने जाने के लिए प्लान किए थे। बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी एक स्पिरिचुअल गुरु थे, योगी थे, फिलोसोफर थे, फ्रीडम फाइटर थे और डिवोशनल पोएट थे। उनके बहुत सारे पोएट आज भी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन प्रचार प्रसार करता है। ये जो डिवोशनल पोएम उन्होंने लिखे हैं ये सारे भगवान कृष्णा, जगन्नाथ और दूसरे देवताओं के ऊपर लिखा गया है। बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी, पहले उनका नाम ऐसा नहीं था, ये चौधरी चैतन्य कर और सुभद्रा देवी के यहाँ जनवरी 20, 1912 को जन्म हुए थे। छोटे कटक के विश्वनाथपुर में जहाँ ये जन्म हुए थे इनके घर के नज़दीक मणिनाग गुंफा था और जड़ोका पहाड़ थे। तो ये दोनों इतने होली प्लेस थे कि बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी छोटे दिन से ही भगवान के विश्वास करने लगे और उन्होंने छोटे बच्चे जब थे तो नटी थे लेकिन उनका इनर स्पिरिचुअल बहुत बड़ा था। धीरे धीरे करके उन्होंने फ्रीडम फाइटर हुए और भारत के स्वाधीनता में अंशग्रहण किए। तो ये बेटा, ये बच्चा बड़ा होके भगवान का आराधना करने लगे और जड़ोका हिल में मणिनाग गुंफा के पास अपना आश्रम भी बनाए। 1979-80 को उन्होंने सत्य सेवा मंडल का प्रस्तुत किए हैं और ये मंडल के माध्यम से बहुत सारे एरिया में लोकहितकर जनहितकर काम भी करने लगे। आज उनका ये मंदिर बहुत अच्छी तरह है, बहुत सुंदर है, शांत है। जो भी यहाँ आते हैं ये परिवेश उनको अच्छा लगता है। मणिनाग गुंफा और जड़ोका हिल आज पर्यटन में एक नाम भी जुड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे बाबा धीरे धीरे करके
आने लगे और उन लोगों का जब गुजर गए तो उनका समाधि भी यहाँ पर तैयार किया गया है। बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी के बाद जो लोग यहाँ पर आराधना में तत्पर हुए उन सभी का समाधि यहाँ आज पर रखा गया है और लोगों को ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो इनर स्पिरिचुअलिटी होता है वो हमारा मन को शांत रखता है और इसको सुंदर करता है और हम सारे दुनिया को अच्छे लगते हैं। मैं आज आपको ये दिखा के मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है और आपको भी खुश लगा होगा। अगर आपको ये खुशी लगा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय।